किसी समय भारत सोने की चिड़िया था और भारत को पूरी दुनिया में विश्व गुरु कहा जाता था और ये भारत ने अपने दम पर किया था, पूरी दुनिया में अपना व्यापार फैलाकर किया था। भारत किसी दूसरे देश का धन लूटकर कभी धनवान नहीं हुआ। इतिहास कहता है कि भारत ने धन लूटने के उद्देश्य से कभी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया, जैसा कि पश्चिम के देशों ने किया। मगर कहते हैं कि इतिहास खुद को दोबारा दोहराता है, कुछ ऐसा ही होने जा रहा है अब भारत के इतिहास में। एक तरफ जहां देश की अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से ऐसी खबर आई है कि जो हर किसी के चेहरे पर खुशी ला सकती है। उत्तर प्रदेश में सोने का भंडार मिलने से लोगों में उत्साह बना हुआ है। सोनभद्र की पहाड़ियों में 3000 टन सोने का भंडार मिलने की खबर सामने आई है। बता दें, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण की एक टीम ने घोषणा की है कि उन्होंने सोनभद्र की पहाड़ियों में सोने की खदान ढूंढ निकाली है, जिनमें इतना सोना है कि उसके मिलने के बाद भारत सोने के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल हो सकता है। अब सरकार सोने के भंडार की नीलामी की प्रक्रिया को लेकर कार्रवाई शुरू करने जा रही है। सोने की खान को लेकर सरकार की तरफ से 7 सदस्य टीम का गठन किया गया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि सोने के ब्लॉकों की जल्द ही नीलामी शुरू हो जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार ई टेंडरिंग के जरिए ब्लॉकों को नीलाम किया जाएगा। 7 सदस्यीय टीम सोनभद्र के पूरे क्षेत्र की जियो टैगिंग करेगी। इसके बाद टीम 22 फरवरी 2020 तक अपनी रिपोर्ट भूतत्व एवं खान निदेशालय लखनऊ के सामने पेश करेगी। सोनभद्र के पुलवार थाना क्षेत्र में सोने के 7 स्थानों पर पोटास, लोह अयस्क और सिलिमेनाइट के भंडार भी मिले हैं। जानकारी के अनुसार सोनभद्र के कोन थाना क्षेत्र के हरदी गांव और दुद्धी तहसील के महुली गांव के पहाड़ों में सोने का भंडार मिलने से सरकार सतर्क हो गई है। सोन पहाड़ी क्षेत्र में 2943.25 टन सोने की खान मिली है। वहीं हरदी इलाके की पहाड़ी में 646.15 किलोग्राम सोने का भंडार मिलने से लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गया है। भारत के पास फिलहाल 626 टन सोना है और बताया जा रहा है कि अकेले सोनभद्र की पहाड़ियों में ही भू वैज्ञानिकों ने 2943 टन सोने का भंडार खोज लिया है। इसके अलावा इन पहाड़ियों में यूरेनियम सहित अन्य खनिज के भंडार भी मिलने की उम्मीद है। देश हो सकता है मालामाल। अगर सच में भू वैज्ञानिकों का अनुमान सही निकलता है तो इस सोने की लगभग 12 लाख करोड़ कीमत बताई जा रही है। ये राशि इतनी है जिसके उपयोग से देश की अर्थव्यवस्था को काफी बल मिल सकता है। दुनिया में किसके पास है कितना सोना? फिलहाल दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का भंडार अमेरिका के पास है। ये लगभग 8133 टन है, जो उसके कुल विदेशी भंडार का 76.9% है। वहीं दूसरे नंबर पर 3366.8 टन सोने के साथ जर्मनी और तीसरे स्थान पर इटली है, जिसके पास 2451.8 टन सोना है।